गोवा पुलिस की जांच से खुश नहीं है सोनाली फोगाट की फैमिली। कहा हम गोवा हाई कोर्ट में करेंगे अपील। हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। सोनाली फोगाट के मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच परिवार ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे जानने के बाद गोवा पुलिस खुश नजर नहीं आ रही है। वेल, आपको बता दें कि बिग बॉस 14 फेम एक्ट्रेस और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के निधन के बाद उनके केस को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस केस में रोज नए कुछ ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं जिससे सबको हैरानी हो रही है। इस केस में अभी तक पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोनाली फोगाट के केस से अब रोज नए सच सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में ऐसी खबर सामने आई थी कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर ने अपना जुर्म कबूल किया है, जिसके बाद पुलिस अब सुधीर सांगवान को कड़ी सजा दिलवाने के लिए खूब सबूत जुटा रही है। लेकिन इसी बीच परिवार ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। परिवार ने गोवा पुलिस की जांच पर ही सवाल उठा दिए हैं। सोनाली फोगाट 23 अगस्त 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। पहले उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक सामने आई थी, लेकिन परिवार के सवाल उठाने के बाद केस की जांच हुई और मौत की वजह ड्रग्स बताई जा रही है। जो केस पहले हार्ट अटैक के नजरिए से देखा जा रहा था, बाद में उसे मर्डर के रूप में देखा जाने लगा। इसी के चलते सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त को मुख्य आरोपी बनाया गया, लेकिन उनके परिवार वाले गोवा पुलिस की गई जांच से खुश नहीं है। सोनाली फोगाट के भतीजे विकास सिंह ने अभी हाल ही में मीडिया को बताया है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित को सीबीआई जांच की मांग को लेकर लेटर लिखा है। उन्होंने गोवा पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और कहा गोवा पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक दबाव काम कर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के केस में सुधीर सांगवान और उनके दोस्त के अलावा कई लोग और भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब देखना होगा क्या सोनाली के परिवार वाले की सीबीआई जांच की मांग मानी जाती है या नहीं। वेल, जहां पूरा परिवार सोनाली फोगाट की जो जांच चल रही है उससे खुश नहीं है, तो दोस्तों ये तो आगे ही पता चलेगा कि सच में क्या इस केस की सीबीआई जांच करेगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं सोनाली की डेथ के बाद उनकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री ने ये बात पहले भी कही थी कि अगर इस केस की जांच अच्छे से नहीं हो पाई तो इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा सच में होगा? जब सोनाली के परिवार ने इस पर बड़ी मांग उठाई है तो दोस्तों ये तो आगे ही पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है इस केस में नया मोड़। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड की तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से ही सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से लाइक कर दें।